एक समय पंजाब ड्रग्स तस्करों की करतूतों के चलते बदनाम था, लेकिन वक्त बदला, पंजाब की कमान सीएम भगवंत मान के हाथों में आई और इसी के साथ पंजाब नशा मुक्त होने की राह पर चल पड़ा। हालांकि पंजाब अब भी ड्रग्स तस्करों के चंगुल से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया है, लेकिन पंजाब सरकार की कोशिशें जारी है। सोमवार को इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सीएम मान भी वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। क्या हुआ उस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाई गई इस बैठक में 9 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाए गए इस खास बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान सीमा पार से हो रही नशा तस्करी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई की जानकारी साझा की। जानकारी के मुताबिक सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक नशे पर रोकथाम करते हुए 1000 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी जा चुकी है, जबकि इस दौरान इससे जुड़े मामलों में अब तक 12,218 FIR दर्ज करते हुए 16,360 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य में पंचायतों के सहयोग से नशा मुक्त गाँव अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सीएम भगवंत मान ने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्रग्स तस्कर सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की खेप पहुंचा रहे हैं, उसे देखते हुए ड्रोन्स के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर देने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मामले में आरोपी की पहचान हो सके और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, सीएम भगवंत मान ने ड्रग्स तस्करों के मन में कानून का खौफ भरने के लिए NDPS एक्ट में संशोधन के जरिए मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत पर भी जोर देने की सलाह दी। वहीं इस बैठक के बाद पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की रफ्तार बेहद तेज है। स्पेशल कैंपेन चलाया गया सी ड्रग्स के खिलाफ, जिहड़ा कि 5/7/2022 नूं शुरू किया सीगा। सो पहला तो मैं एक साल जिहड़ा सी 5/7/2023 नूं पूरा हो गया उस कैंपेन नूं। सो एक साल दे विच पंजाब पुलिस ने काफ़ी उपलब्धियां कीतियां ड्रग्स फ्रंट के उत्ते। वड्डी मात्रा दे विच ड्रग मनी रिकवर की है, जिदे च 12,33,00,000 जिहड़ा रुपया वा ड्रग मनी जिहड़ी है रिकवर की है। जिहड़े वहीकल इनवॉल्व सीगे 3261 वहीकल कन्फिसकेट किए गए हैं और इस समय के दौरान 954 जिहड़े प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ने NDPS एक्ट दे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कमान संभालते ही ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राज्य में मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में बीते महीने भी पंजाब पुलिस ने राज्य में ड्रग्स माफिया के फैले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन के तहत पंजाब पुलिस की 650 टीम ने पंजाब के 2,247 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ साथ घातक हथियार भी हाथ लगे थे। ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस, ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में जारी है खाकी की मुहिम। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब पंजाब ड्रग्स तस्करी के लिए कुख्यात था, लेकिन बीते 1.5 सालों के दरमियान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कई मंच से संदेश दे चुके हैं कि वो पंजाब को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में वो किसी तरह की चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ये सीएम मान की सख्ती का ही नतीजा है कि पंजाब पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने, नशीली दवाओं के तस्करों को पकड़ने और उसकी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाने के साथ साथ STF पुलिस स्टेशन का भी गठन किया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने तस्करों के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी करते हुए राज्य के हर जिले में विशेष एंटी नार्कोटिक सेल भी बनाया हुआ है। और तो और, ऐसे मामलों से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कानून जल्द से जल्द प्रभावी हो सके, इसके लिए प्रत्येक जिले में NDPS अधिनियम के मामलों के लिए एक नामित न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे से निपटने के लिए भी बॉर्डर एरिया में कई सुरक्षा उपाय प्रभावी किए गए हैं। 5.5 किलो हैरोइन पिछले हफ्ते फड़ी गई है, इस तरह OPM जी है 11 किलो OPM ते 10 होर POs जिहड़े ने अरैसट किए गए हैं। सो कुल 964 PO जिहड़े ने इस पूरी कैंपेन के टाइम के उत्ते जिहड़े ने वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह पंजाब पुलिस के जिहड़े बाकी स्पैशलाइज्ड विंग्स ने उन्होंने भी इस समय के दौरान काफ़ी उपलब्धियां जिहड़ियां प्राप्त कीतियां, जिहदे च जिहड़ी AGTF जिहदा स्पैशली गठन किया गया सीगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का, उन्होंने टोटल जिहड़े ने गैंगस्टर जिहड़े इस समय के दौरान अरैसट किए हैं जां थ्रू डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरैसट किए हैं, वो 688 गैंगस्टर अरैसट किए हैं।
बहरहाल पंजाब में ड्रग्स तस्करी का मुद्दा हो या सीमा से सटे इलाके में देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना, सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को हर चुनौती के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया हुआ है। उम्मीद है पंजाब सरकार की तैयारी गृह मंत्रालय को भी भाई होगी। अमित पांडे, न्यूज 24।